तो जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है, रिक्रूटमेंट रोल्स ऑफ ऑफिसर अली यूनिवर्सिटी से निकल के आया, जो कि आपको न्यू टाउन कोलकाता में स्थित है। ठीक है, यह वेस्ट बंगाल से वैकेंसी निकल के आया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कॉलेज का आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ इन्फो है, इंक्वायरी होगा, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस पे मेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यह 18 सितंबर 2024 को निकल के आया है। ठीक है, और देखिए अभी ये फॉर्म जो निकल के आया है, इसमें देखिए कुछ पोस्ट निकल के आया, क्या क्या है। तो पहला जो पोस्ट आया है आपको लाइब्रेरियन का है, दूसरा आपका डिप्टी लाइब्रेरियन का है। आपको दो तरह का पोस्ट इसमें लाइब्रेरियन की तरह देखने को मिलेगा, जिसका पे स्केल लेवल 14 का और लेवल 12 का है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए भी एक पोस्ट है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा वो डायरेक्ट आपका होने वाला है, लेकिन आपको इसमें कुछ एक्सपीरियंसेज होंगे जो काफ़ी हाई लेवल के होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें कैसे हमको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कहा जा रहा है क्या, देखिए डिप्टी सॉरी जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है, आपको एक पोस्ट है, इसमें आपको एंट्री जो होगा, आपका जो पे लेवल जो होगा आपका 1,44,200 होगा, है ना। फिर कह रहा है क्या, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको 12/11/2024 तक का जो एज होगा, आपको 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कितने साल के लिए यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब अपने एमलिस कंप्लीट कर रखा है विथ 55% मार्क्स के साथ में, तो ही आप फॉर्म का एलिजिबल है, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि एटलीस्ट 13 ईयर्स, आपको 13 साल का कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिप्टी लाइब्रेरियन। जो लाइब्रेरियन से नीचे पोस्ट होता है डिप्टी लाइब्रेरियन, उसका पोस्ट पे आपको 13 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, नंबर ऑफ, देखिए अभी सेकंड पोस्ट आया है आपका डिप्टी लाइब्रेरियन। ठीक है, डिप्टी लाइब्रेरियन से पोस्ट नीचे आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो इसमें कह रहा है क्या कि आपका एक पोस्ट इसमें रखा गया है, और इसमें आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा 79,800 होने वाला है। इसमें जो एज लिमिट रखा गया 35 ईयर्स रखा गया, इससे आपका ज़्यादा होगा तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी आपको जो काम करने को मिलेगा 2 साल के लिए आपको मिलेगा, 2 साल तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब आपने एमलिस कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, और विथ 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ 55% मार्क्स जरूरी है सब में। फिर कह रहा है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मतलब आपने डिप्टी लाइब्रेरियन से नीचे वाला पोस्ट होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ठीक है, तो आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आपको 5 साल का काम अगर है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए यहाँ वैलिड रखा गया है सारे पोस्ट के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए यहाँ जो है आपको 2 साल के लिए ही रखा गया, सब में एक एक पोस्ट आया हुआ है ना। और देखिए नीचे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि कैंडिडेट्स हैव सेमी गवर्नमेंट, अच्छा नीचे और आते हैं, देखते हैं वो कैसे अप्लाई करना है। यह फॉर्म जो आपको देखिए, इसका लास्ट डेट यहाँ लिखा हुआ है ना, काउंटेड 12/11/2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या इसमें आपको कि अगर आप एक बार जो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, पैसा आप पे कर दीजिएगा, देन उसके बाद आपको पैसा रिफंड नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचते हैं कि हम फॉर्म भर लिए, अब उसको कैंसिल करके पैसा रिफंड ले ले, तो आपको ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, एप्लीकेशन फी वंस पेड शॉल नॉट बी रिफंडेड एनी अंडर एनी सर्कमटेंसेज। ठीक है, कैंडिडेट फिर कह रहा है क्या, कैंडिडेट हैव मस्ट सुपरस्क्राइब द वर्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए या फिर लाइब्रेरियन के लिए, है ना, वो आपको यहाँ लिखना होगा। सीरियल नंबर 1 है या 2 है, आपको वो लिखना होगा। ठीक है, फिर क्या, इन केस मे बी द टॉप ऑफ द इनवेलप वाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही फॉर्म नीचे लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको उसको भर लेना है सारा, उसमें अपना जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे को लगा देने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, पोस्ट कहाँ करना है वो एड्रेस यहाँ दिया हुआ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पोस्ट करने से पहले उसको पोस्ट में जो आपका इन्वेलप रहेगा उसमें आपको लिख देना है, यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं या डिप्टी लाइब्रेरी के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सीरियल नंबर कौन सा है, 1 है या 2 है, वो अप्लाई लिख देने के बाद आपको भेज देना है। भेजने से पहले देखिए जो कहा जा रहा है क्या कि आपको जो भी, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको
टीए डीए जो मिलने वाला होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेटा अलाउंस, इसको आपको नहीं मिलने वाला है, वो आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कैसे इसमें फॉर्म का चार्ज लगने वाला है। देखिए यहाँ पे फॉर्म का चार्ज की बात करें तो यहाँ पे लगने वाला 500 रुपये चार्ज लगने वाला है, ठीक ना, जनरल के लिए और ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ लगने वाला, ठीक है। और जो 300 रुपये लगने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं 300 जो यहाँ लिखा हुआ है, 300 ये लगने वाला है एससी एसटी ओबीसी एंड पीडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ जनरल के लिए 500 रखा गया, बाकी सारे भी कैंडिडेट के लिए 300 रखा गया, ठीक है। फिर देखिए फी को कैसे देना है, तो अप्लीकेशन फी भी पेड ओनली बैंक ट्रांसफर, आपको सिर्फ बैंक ट्रांसफर करना है। कैसे करना है, तो फॉलोइंग अकाउंट दिया हुआ नंबर है, आपको अकाउंट नंबर यहाँ है, आईएफएससी कोड यहाँ दिया रखा है, और अकाउंट नेम जो है अली यूनिवर्सिटी के नाम से, और बैंक का जो नाम है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। जेन नेक्स्ट सॉल्ट लेक के पास में है, कोलकाता 7000091, ये आपका है, ठीक है। इसमें आपको ट्रांसफर करना होगा 500 या 300, और उसका अटैचमेंट कॉपी निकाल के आपको उस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगा देना है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, आपको ali.ac.in पे जाना है, वहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाइएगा, आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करने आ रहा होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है क्या, देखिए इसमें लिखा हुआ है 12, 11, 24 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल अप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए विथ 6 सेट ऑफ फोटोकॉपी, कौन कौन सा फोटोकॉपी लगाना है आपको सारा इसमें दिया हुआ है। पहला एज का होगा, जैसे मार्कशीट हो जाएगा, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा, क्वालिफिकेशन मार्कशीट हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, बैंक ट्रांसफर रिसीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये 6 डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अटैच करके आपको भेज देना है, ठीक है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिखना एकदम मैंडेटरी है, अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इफ द पोस्ट अप्लाई इज नॉट मेंशन द एम्प्लॉयर कंटेन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स में, एप्लीकेशन नॉट बी कैंसिल, ठीक है। कहा जा रहा है ना, अगर आप पोस्ट के ऊपर नहीं लिखेगा आप किस पोस्ट अप्लाई करें तो आपको फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पे जाकर डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट का जो रखा गया है 12 नवंबर 2024 का रखा गया है। तो दोस्तों मैंने सारी कुछ डिटेल आपको बता दिया है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।